बीते बुधवार को बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कई दुकानदार और घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने नगद व कई कीमती सामान पर हादसा किए। दरअसल क्षेत्र में इन दिनों चोरों के आतंक से लोग डरे हुए हैं, लेकिन पुलिस गति में कमी के कारण चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रही। लगातार शहर में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है और गया शहर में रहने वाले लोग डर सहम कर जीवन जीने में विवश व लाचार है। लेकिन खाकी वर्दी की पुलिस गश्ती शहर में रहने के बाद भी आखिर कैसे यह चोर खुलेआम चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सामान 2,500 पैसा और 2 रफली मोबाइल रखा हुआ था, गेम खेलने के लिए बच्चा का, वो मोबाइल लिया गया है। प्रशासन को सूचना, हम रात में कंपाउंड में सोते हैं, तो जब हमको रात में हम मोबाइल बंद किए हुए थे, तो हमको जब सुबह में 6 पता लगा तो हम घर में आए, और घर में आए तो हम प्रशासन को, बुनियादगंज थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार जी को मैं बताया फ़ोन करके। थाना अध्यक्ष ने 5 के अंदर मेरे घर में आके इंक्वायरी किए हैं। कैमरा में भी, मोहल्ले में सीसी कैमरा लगा हुआ, उसमें भी देखा गया। दो लड़का था, सेमराज पार्क तरफ से आया था, मुन्ना कुमार पटवा टोली बुनियादगंज गया, पोस्ट बुनियादगंज। दूसरा रूम में सोया हुआ था, उसको भी मतलब कि बाहर से भी लॉक कर दिया था, और दूसरा रूम में भी इंक्वायरी किया, मतलब सामान उमान इधर उधर किया है, लेकिन उसको लगता है कुछ हाथ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमको डायरेक्ट उसे देखे, लेकिन थोड़ा अंधेरा टाइप था, और मतलब कि जैकेट पहना हुआ था, थोड़ा पीला था और ब्लू टाइप का था, और फिर वो भाग गया। हम लाइट मारने लगे, उसी टाइम वो भाग गया। कितने बजे की घटना? करीब 3:15 भोर के घटना। आसपास के लोगों को कब जानकारी मिली कि आपके घर में इस तरह की वारदात हुई? उसी टाइम जिस समय वो भाग गया, उसी टाइम हम हल्ला किए और अगल बगल का आदमी जुटा, और हम लोग देखने लगे कि कहाँ गया, लेकिन तब तक वो लगता निकल गया। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ही करना चाहते हैं कि सही से इंक्वायरी करें, और जो चोर जो भी था उसको मैंने आप सजा दी। परिचय क्या हुआ? पप्पू कुमार। कहाँ रहते हैं? मानपुर पटवा टोली। क्या काम करते हैं? पावर लूम। और मछली भी चोरी हुआ? हाँ, मछली भी। कितना हुआ? 2 की लपेट में मछली लेके चला गया। ये दुकान कहाँ पर है? ये दुकान मानपुर सूरज पोखरा रोड का है। आप मालिक हैं दुकान के? जी। क्या नाम हुआ? सिकंदर कुमार केवट। दीवार तोड़ने का आवाज़ आया, फिर भी आप लोग नहीं जागे? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ तो दुकान है, हम लोग का घर मला टोली है, यहाँ पे दुकान की है। जी, यहाँ पे दुकान किए हुए हैं। आपको कैसे पता चला कि रात को दीवार? अगल बगल से पता चला, बगल की। कब मालूम हुआ? सुबह, अभी सुबह आया था, आपने देखा? हाँ, सुबह जब मेरे स्टाफ आया, चाबी खोल के देखा कि पूरा बिखरा हुआ सामान है, तो वीडियो कॉलिंग किया, फोटो बनाया, फुटेज भी लिया। लगभग कितना हज़ार का नुकसान आपका हुआ होगा? करीब 25,000 का नुकसान है। मछली इसमें डाला हुआ था? जी, और कुछ छोड़ भी दिया है मछली, और CCTV कैमरा के साथ भी छेड़खानी किया गया है। उसमें जो भी वाईफाई था, जो मोबाइल से चलाया करता था। CCTV कैमरा है आपके यहाँ? जी है, और उसमें माउस भी लेके चला गया है।